मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर भाजपा कार्यालय में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से गरीब जनता को मिल रहा है। कहा कि कोरोना काल में सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के कारण जनता सुरक्षित रही, वहीं सरकार गरीब कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। 20 जून तक सेवा समर्पण और गरीब कल्याण जो हमारा कार्यक्रम सरकार के 8 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ 30 मई को अपने देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने और 31 मई को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारम्भ करा और 1 जून से लगातार 20 जून तक ये कार्यक्रम चलना है। इस कार्यक्रम के निमित्त आम जनता बिल्कुल प्रत्येक बूथ तक जो सरकार ने 8 वर्षों में बहुत सारे काम हमारे सरकार ने करा, जैसे हमारे सांसद जी ने अभी बताया, उन कामों को आम जन तक पहुंचाना एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य रखा है। जिससे कार्यक्रम में 8 साल सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के आज का ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और ये कार्यक्रम अब लगातार नीचे मंडल बूथ तक ही हमारे कार्यक्रम रहेंगे। और 70 साल की आज़ादी के बाद 2014 से लेकर के अभी तक जो हमारे काम केंद्र सरकार के सहयोग से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से जो अंतिम पंक्ति में वंचित समाज था जिसके पास 8 सालों में वो काम करके दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। तो हर वर्ग के लिए हर समाज के लिए मोदी जी ने काम किया है और जनता ने उसे सराहा भी है और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी दे रहा है।